अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सब दोस्तों को सुबह का सलाम। सुबह का टाइम है इस वक्त, लेकिन टाइम इस वक्त ना 8:30 बज रहे हैं और आप देख लें इस वक्त तक शदीद धुंध है, शदीद धुंध। सुबह तो इतना धुंध था कि बिल्कुल 2 से 3 फुट तक भी बंदा ही नज़र नहीं आ रहा था। अब कुछ कम हुआ है ये देख लें आप, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा धुंध है। शबनम बहुत ज़्यादा और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। आज थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा है, तो पता नहीं कि ये धुंध जो है ना कब तक ख़त्म हो आज, क्योंकि ये 2 बजे से जो है ना हमारे इलाके में धुंध पड़ना शुरू हो चुका है। ये देख लें आप माशाल्लाह से। तो ये धुंध जो है ना, इसका भी एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा है गंदम के लिए, क्योंकि गंदम जो है गीला गीला रहता है तो ये जो है ना काफ़ी ताकत भी पकड़ता है और मज़बूत भी बनता है। तो चलते हैं और जो है चक्कर वगैरह लगा के उसके बाद चलेंगे घर। और भाई रात एक खुशखबरी भी मिली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत परेशानी थी, बहुत तंगी थी, अल्लाह ने सुन ली है, वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह बाद में। लेकिन फ़िलहाल लगा लेते हैं चक्कर। यार कसम से ये जो है ना गांव के अंदर सुबह का मंज़र, वाह, दिल को ठंडा कर देता है, आँखों को ठंडा कर देता है। कसम से कैसे मंज़र है सुबह के वक़्त ना, फसलों के ऊपर चक्कर लगाना और जो है खेतों पे सैर करना, ये देख लें आप माशाल्लाह, वाह। तो दोस्तों अब आप देख लें टाइम जो है 9:30 बज रहे हैं, तो अब जो है ना कुछ दिन जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी बाहर आप देखें फसलों की तरफ बहुत ज़्यादा धुंध है। और सुबह सुबह हमारा खाना, ऐसे समझेंगे रोटी, वो तैयार हो रहा है। ये रात वाला सालन और ये सुबह सुबह जो है ना छोले ले आया है। छोले जो है सामने बाहर जो है ना वो आया हुआ है मोटरसाइकिल पे बंदा, जो सुबह सुबह चक्कर लगा लेता है। ये रहा, तो करते हैं सुबह का नाश्ता। खाना खा लिया और उसके बाद जो है हम घास ले आए हैं, तो अभी लगाएंगे मशीन पे टोका। चलो बाबा डालो। काम ख़त्म करके अब जो है चलते हैं भाई चौक पे, तो खुशखबरी ये है तो वहाँ पे चल के आपको बताते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है हमने सुबह का अपना काम कर लिया है ख़त्म, तो अभी रवाना होते हैं चौक की तरफ। दोस्तों ये जो है हम साग ले चलते हैं किसी रिश्तेदार के पास। गांव का ये सिस्टम है कि जब भी रिश्तेदारों के पास कोई भी जाता है यहाँ पर, तो ये सर्दियों का मेवा ले जाते हैं। कैसे मेवा है, नहीं है सर्दियों की सौगात। हाँ हाँ माशाल्लाह से बेस्ट सब्जी है। हाँ तुम भी कहोगे तो सब्जी लेते हैं, इसको ले चलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं दोस्तों मामू के घर, तो नाना नानी के घर। तो ये जो है सरसों यहाँ पे देंगे, उसके बाद जो है चलेंगे हम लोग यहाँ से, कुछ शाली भी उठाएंगे जानवरों के लिए।
दोस्तों चौक की तरफ जा रहे थे लेकिन मोटरसाइकिल का जो है चैन उतर गया है। अभी पता नहीं उतर गया है कि टूट गया है, तो किसी चीज़ से इसको खोलेंगे, देखेंगे क्या मसला है। कॉल किया है, अभी लड़का आ रहा है। बस यहाँ पे दोस्तों हम आए हैं, तो यहाँ से कुछ देख लें यार, कोई जो है ना स्वेटर वगैरह ले लें, लेकिन मज़े के नहीं है क्योंकि इस्तेमाल शुदा हैं ये और दे भी महंगे रहे हैं। छोटा जो बेटा है उसके लिए लेना है, लेकिन देखते हैं कोई पसंद कर लें, अल्लाह करे मिल जाए। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ये तो बहुत बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है, मैं पूरा आ जाऊँगा इसमें। ये बहुत ही बेहतरीन है यार, लेकिन ये महंगा कर रहा है इसका भाई। 400 से कुछ कम करो यार। नहीं भाई ये रियायती है, ये बस नहीं महंगा है यार। 400 किधर से लाए हम अभी ये दोस्तों। तो दोस्तों चौक से जो है हम ले रहे हैं आलू, तो आपको बता दें कि आज मिले हैं भाई 12,000 रुपये इंजोज की तरफ से, बड़ा काम हो गया हमारा। यार प्याज देख लें 200 रुपये किलो, कसम से बड़ा सख्त मुश्किलात है यार। तो दोस्तों माशाल्लाह से हमारे इलाके में ना सीज़न है इस वक्त चावल का, तो चौक पे काफ़ी जो है ना अच्छा खासा रश है माशाल्लाह। तो यहाँ होटल पे बैठे हैं, चाय पियेंगे इंशाल्लाह, फिर जो है उसके बाद चलेंगे घर। तो इस वीडियो का भी करेंगे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह आपको खुश रखे, अस्सलाम वालेकुम।